दी है हमने। अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम पानी आपके सामने, और इसको बॉईल होने देंगे। गर्म हो रहा है जब तक हम इसमें डालेंगे, जो हमने पालक लिया है 250 ग्राम वो भी हम इसी में ही डाल देंगे। पालक को अच्छे से मुलायम होने देंगे तब तक हमें सेकना है बस। अब इसमें हमने ये डाल दिया है, 2-3 हरी मिर्ची डाल दी हैं, और जो लहसुन की कली है ना वो भी हम इसी में डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से हम इसी में ही पका लेंगे। उसको भी हम इसी में ही अच्छे से पका के और अच्छे से इनको गलने देंगे। आप चाहो तो इसमें कट भी लगा सकते हो ऐसे करके, अभी आप देख सकते हो जो उबल चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे से, अब देख सकते हो कितने अच्छे से। और टमाटर को हम निकाल लेंगे, टमाटर और लहसुन को, और पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है। देखो जो पालक हो गया है उसमें से मैंने जो टमाटर है वो सब निकाल दिए। इसको हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसको भी हम ठंडा होने देंगे अच्छे से। पनीर है, तेल गर्म हो गया, उसमें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई कर लेना है हमको हल्का, कम थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप इसी तेल में 2 तेज पत्ते डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनने देंगे, गैस को कम कर देंगे। हमारा हो गया, देखो जीरा भी तल गया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद जो प्याज टमाटर जो हमने इसमें करे थे उसको अच्छे से हम देख सकते कितने अच्छे से कलर आ रहा है। धनिया पाउडर 1-2 चम्मच, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्ची, और इनको हम अच्छे से सिम डाल के पका लेंगे, और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे आगे। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। मसाले को तेल ऊपर आने तक हमको मसाला पकाना है। देखो सब्जी में कलर आ चुका है, हमारी सब मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो पालक पील दी है वो भी डाल देंगे इसमें। ये हो गया है, और जो हमने पालक पूरी बनाई है वो भी हम इसी में ही डाल देंगे आपके साथ, और इसको भी हम अच्छे से हम चला देंगे। अब इसको भी हम पकाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। इसमें हमने उसको धो के लाया, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज कर सकते हो। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, आप देख सकते हो पालक अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, कुछ पनीर हम सर्विंग के लिए बचा लेंगे आपके सामने। हमारा पनीर पालक पनीर देखो आपके सामने अच्छे से तैयार हो गया है, कितने अच्छे से हुआ है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना।
देखो मैंने पालक बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना अच्छा मैंने पालक पनीर बनाया है, आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आगे तक देखिए, और ये रेसिपी कुछ नया है, आपको अच्छी लगेगी प्लीज़। देखो दोस्तों मेरा पालक पनीर बनके तैयार हो गया, आप लोगों के साथ शेयर कर। देखो दोस्तों मैंने पालक पनीर शेयर कर दी आप लोगों के साथ, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना। पालक पनीर की रेसिपी अच्छा है, टेस्टी भी है, और वीडियो को पूरा देखिए।